मौसम तो बहुत हसीन है, बहुत कमाल मौसम है। व्लॉग हमारा शुरू ठीक गया और वो भी डेली की तरह शाम वाला। पौधों की कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपसे भी शेयर करना चाहूँगा और आपके दिल में भी खुशी हो कि हमारे पौधे जो है ना कौन सा रंग दिखला रहे हैं इस टाइम। रंग लगाएंगे ना तो ये अच्छे लगते हैं पौधे, और ये रंग ला रहे हैं माशाल्लाह। ये चेक करें खूबसूरती का माहौल। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस ऑरेंज के बूटे पे ना, ये जो पहले इसने पत्ते उठाए थे ना, वो सारे पीले होके ना झड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। और इससे नीचे जो है ना, ये फिर मज़ीद और न्यू पत्ते निकाले जा रहे हैं। इसकी मतलब कंडीशन बेहतर है ये चलता। और ये माशाल्लाह से हो रहा है। उसके बाद वो आपको पता है, मैं मुख्तसर ही दिखाऊँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपका टाइम जो है ना किसी किसी के पास होता है, और टाइम की पाबंदी जो है ना वो ज़रूरी है। और मैं मुख्तसर बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये किन्नू उठाने वाला था, ये आपको नज़र आ रहा है पता नहीं, छोटा सा किन्नू। अभी इसने 5-6 किन्नू उठाए हुए हैं, दुआ करें ये बच जाएँ गिरने से। और ये पत्ते न्यू भी उठा रहा है ये चक्कर। ये माल्टा भी हो रहा है, क्लियर हो चुका है। और आम को देखा जाए तो ये आम के न्यू पत्ते हैं माशाल्लाह से, आम भी ये भी हो गया है। इसकी किस्मत जो है ना वो अच्छी है। खुबानी ने भी न्यू पत्ते निकाले हुए थे, वैसे ये भी हो रही है माशाल्लाह, ये भी क्लियर है। बूटी हमारी तो सूखी नहीं, ये भी हरी खड़ी हुई है। और इसके साथ अमरूद, ये देखिए अमरूद के पत्ते भी आपको नज़र आ रहे हैं, मसलन ये भी हो रहा है। और वो बूटी जो थी ना गुलाबी, वो गमले के अंदर वो सूख गई है माशाल्लाह। ये कंडीशन आपने चेक कर ली। अभी मैं चलता हूँ आगे व्लॉग की तरफ। ये बाइक जो है ना ये ख़राब है, ये बच्चे लेके गए थे, पता नहीं इसको क्या किया। वो देखे चेन इसकी, इसके चेन को अगर देखा जाए ना, ये कैसे देखे ढीले होके नीचे पड़ी हुई है। इसके गरारियाँ जो है ना, अगली पिछली गरारियाँ दोनों ख़त्म हो चुकी, चलने वाला नहीं है, इसलिए खड़ा हुआ है। और फरमान भाई जो है ना, वो खोती को बजा रहे हैं, खोती का बच्चा है, खोती नहीं है, खोती का बच्चा है, खोती का बच्चा खोती है, खोता नहीं। अच्छा अच्छा। और अम्मी जान जो है ना, वो कोई काम कर रहे थे, अभी उनसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह, बल्कि दिखाएंगे भी सही कि क्या काम हो रहा है। व्लॉग हमारा ऐसे ब्यूटीफुल होता है, देखने वाला को चासा है। और अभी हम हाल बांटेंगे कल वाला, जो हम यहाँ पे नहीं थे। जो कल तो बात गुजर चुकी है, कल का दिन गुजर चुका है, और नवे दिन के लिए नवी खबर, नवी बातें, नवी खबर तो हम उधर से नहीं लाए, बस अभी जहन में भी नहीं है। हाँ, ये नवी खबर है, आपको तो पता है कि वो फसल के चक्कर में ना, कुछ उगाने बेचने के चक्कर में वो घर उन्होंने चेंज कर रखा है फिलहाल, फिर वो अपने अड्डे पे वापस आ जाएंगे कुछ दिन बाद। हाँ, जब फसल जैसा बीज नहीं है, हाली उस पर आते हैं, कोई फसल काटी, कोई दाने लगाए, फिर नवी फसल हो गई, कमान की और कबाह की, फिर नवी शुरू हो गई, फिर जब वो फाइनल होगी तो फिर अपने घर में वापस आ जाएंगे। क्या वो है मुसाफिर बंदे, वो एक जगह नहीं बैठ सकते। जो वही करता है वैसा ही होता है, जैसे बंदे की वही हो, वैसे लाट है, दो है, 10 किले, 5 किले, उठा उधर डेरा बना हुआ, उसे रेस्ट करो, उठे भी जानवर रखो, उतर ना अपना घास खिलाओ, चूड़ी खिलाओ, तो उतर बेच बाय के काम करो। काम गर्मी का काम होता है, अगर घर से दूर आए जाएं तो वो बंदा टाइम से पहुंच नहीं सकता, गर्मी बन जाती है, तो इसलिए जो ही भी वही करते हैं ना, वो घूमने के डेरे पर बैठ बच्चों को साथ ले जाते हैं, साथ ले जाते हैं, जब फसल ख़त्म होती है और तो फिर वापस आ जाता है। बाकी रिक्शा वगैरह अलहमदिल्ला चला रहे हैं, माशाल्लाह गुजारा हो रहा है।
जी जैसा कि हमारे अम्मी जान की ख्वाहिश थी। हाँ माशाल्लाह घर का खर्चा जो है ताज़ा मकसद हो जाता है। ये परेशानी होती थी तभी फसल बीते फिर उन्हें करो ना ले लेके दाने और सब्जी सौदे हर चीज़ उन्हें करो तो फिर वो उधार पे उधार होता है ना। जब फसल काटती है फिर वो कुछ बनती नहीं है। ऐसे जो रक्षे की जो कमाई होगी वो खर्चा करेंगे और फसल जो है वो टाइम से अपने हिसाब किताब लेंगे फिर ना आगे कुछ सूखे हो जाएंगे। ये भी हमारी बहन की सोच थी तो अल्लाह पाक ने अच्छा रोज़गार बनाए इंशाल्लाह और अल्लाह पाक ने पीला रंग लगाए। पीला रंग अल्लाह से अल्लाह पाक ने वो अगर वसीला बनाओ हीला हीला करो वसीला बन जाए तो वो यही है कि हीला है जो रक्षा जो मिल गया है वो रोज़ी करेंगे अल्लाह पाक ने रोज़ी में बरकत डालेगा और ना वो खाने वाले हमारी बहन को भी दुआएं देंगे और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करें जो हम रोज़गार बन गए हैं अल्लाह पाक। अच्छा पहले कुछ लोग खाते थे अब सारे खाएंगे सारे खाएंगे। नहीं पहले भी सारे खाते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा कम खाते थे अब रज के खाएंगे सुकून से खाएंगे जो अब टेंशन नहीं है हमारा काम जो है चालू है। चलो और बोलते हैं आगे जो सवर देख के पैर दघेरे ऐसे ना रजाई। हाँ रजाई देख कर वो ही रक्षे को देख कर तो सुकून से खा पी रहा है। अगर वो बंदा खाए जो आगे देखे भी सही क्या आगे कुछ हो भी सही। हाँ जी चलो आपने काम बनना था शायद। हाँ काम नहीं आ गया मैं दूध निकालने का काम है और नहीं है खाल वो अभी बकरों को खिलाना है मैं दूध निकाल के फिर बाद में गाय को भी रखूँ कि और बकरों को भी। बाबूजी बाबूजी अंदर उसे बुलाना है जो बकरों को जो है खाली घास डाले घास खा लें। हसीब बाबू नहीं हमारे बाबूजी। मैं क्या हसीब बाबू जी अंदर है तुम्हारे बाबू का पता नहीं है अभी अभी बाइक चला के बाइक चला गया या उसे कोई यार दोस्त है कोई काम वगैरह हो जाएगा। चलो हसीब बाबू को बुलाएं वो भी आपके साथ काम करवाएगा। हाँ वो ना बकरों को घास डालेगा मैं दूध निकालूंगी मेरे साथ नहीं करवाएगा उनका अपना और काम है हर किसी के अपने काम होता है थोड़ी ज़्यादा हेल्प करा देंगे तो फिर ये अगर मैं एक काम करूँ तो दूसरे पे शाम हो जाएगी एक को जो करेगा कुछ मैं करूँगा काम टाइम से फाइनल हो जाएगा फिर सुकून से आप खाना खाएंगे ठंडा दूध पिएंगे। ठंडा बनाना रात मैंने नहीं पिया। आज बर्फ रखवा दिया पिया भी नहीं जाता इतने गर्म तो डेली आती है ना वो कल भी असीब ने बोला जो बर्फ़ रखनी है दूध की तुम्हारे अबू ने कहा नहीं और ले आएंगे जब शाम हुई तो बर्फ़ नहीं मिली फिर ऐसे गर्म दूध ना रात मज़ा नहीं दे रहा तो आज ना मैं छोटे कूलर में रखवा दिया जो और पी ले ना ले तो दूध तो ठंडा हो जाएगा अब टेंशन नहीं लेनी आज ठंडा दूध गर्मी है ना तो ठंडा ही पीना चाहिए। चलो माशाल्लाह लिहाजा अगर सर्दियाँ हम तो हम गर्म करके पीते थे अब गर्मी आ गया तो ठंडा करके पिएंगे वैसे ताकत वाला जो दूध होता है ना और आप जितना कमज़ोर हैं तो ऐसा पिए ठंडे से बगैर ऐसे गर्म नहीं पचता ना जैसे मैं निकाल के आती हूँ ना मेरे गले को क्या हो गया फिर ना ऐसे पी लेना नहीं वो गर्म होता है तो ताज़ा जुलाब लग जाते हैं आखिर एक दिन ना मैदा सेट हो जाएगा जुलाब नहीं लगेंगे जब अच्छा। पच जाएगा ना दूध पच जाएगा फिर जल्दी ताकत आ जाएगी फिर मैदा भी सेट होगा। और मुनीब जो था ना जब छोटा था मैं गांव नीचे जाती थी दूध निकालने तो गिलास चाल के उधर आ जाता गर्म जैसे भी निकालती हूँ तो अपना एक गिलास दो गिलास जितना होती फुर्सत पी के आकर सो जाता था। दो साल थे ये अपना दूध शाम सुबह मैं कुछ भी नहीं खाता था आज माशाल्लाह देखें एक सेहतमंद ताकतवर एक मुनीब है और उतना नहीं सक गया है कुकड़े बन गया वो थोड़ा भी गाय चराने ना धूप गाय चराने ने मोबाइल तो लेकिन दूध की ताकत है भाग दौड़ तो कार लग जाए लड़ाई पलवाने नाल तो टकरा दे सकता। अच्छा ये बात है मुझे ना बचपन से ठंडे चीज पसंद है वो छोटे ला जो ठंडी चीज़ पीते हैं अब वो ठंडी चीज़ का नुकसान होता है इसलिए ना वो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं ताकत नहीं होती फिर जैसे ही बड़े हो जाए वो इसलिए गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हाँ जी इसलिए ठंडी चीज़ को बट मुझे पसंद है वो
कंचके पे सोना रात दिन और ठंडिया चीज़ा बर्फ वाला पानी देखें बोलते बोलते मेरा भी गला खराब हो गया। तो ये जरा चीज़ा था बंदे वो बिल्कुल नुकसान दे करारिया चीज़ा चिप्स पकौड़े ये भी मुझे पसंद बोतल ये पसंद ये करारिया चीज़ा तलिया हुआ चीज़ा खा के तो फौरन बोतल पीना ठंडा बर्फ वाला पानी पीना मजा आता है मुंह में पानी आ जाता है। मजा आता है लेकिन अब वो मजा है अब तो चलने को तंग हो गए। वो तो कुदरती बीमारी हो गई ना पट्टों की, नहीं तो खाने पीने से बंदा नहीं बीमार होता। वो तो बोल रही हूँ ना जो चीज मौसम के लिहाज ना अच्छी लगे ना वो खानी, तो अगर तली हुई चीज है गर्म चीज है सब्जियों को अच्छी लगती है। जो गर्मियाँ हैं गर्मियों को ठंडी चीज जो जिसम बर्दाश्त करे, ऐसे नहीं गर्मी में गर्म चीज खाएं फिर ठंडी खाएं फिर गर्म खाएं ठंडी खाएं ऐसे ऐसे। तो चलो दिन में दो तीन बार खाते थे अब पांच छह बार खा लेंगे। आठ बार खाएं बोतल एक दवा पीते थे अब चार बार मंगा लेंगे। आपकी बात तो मानने है ना आपकी बात माने मैं बोल नहीं रही मुझे कम कर रहे मैं रोक रही हूँ जो ये बोतल तलिया हुआ चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। ऐसा नहीं बोल रही जो एक बोतल पी दो चार पियो ये बात नहीं है। आप उल्टा चलते हो ना। हाँ मैं चलता ही उल्टा हूँ। अच्छा शुरू से। अच्छा आप वो गायों को दूध निकालने जा रहे थे शाम हो रही। हाँ अभी जा रही हूँ बातों बातों में लगा देते हैं ताकि अपना दूध ही बनाना है अभी वो सो रहा है। चलो मैं यहाँ पे देखूँ फरमान साहब ने ना पता नहीं क्या चलाया हुआ है बात करते हैं फरमान साहब से। हाँ वो देखा था अपने कज़न मोहसिन की वीडियो ओ गंदम की उनको भी परेशानी बनी हुई थी वीडियो में उन्होंने लगाया था। तो कोई अमेरिका से हैं खाला और उनकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह सब ने मिल के उनको गंदम ले दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके लिए दुआएं कर रहे थे तो वो देख रहा था अल्लाह पाक नहीं पूरा रक्षा भरा हुआ था। अल्लाह पाक जजाए खैर दे माशाल्लाह उनकी परेशानी हल हो गई। मम्मी के सिस्टर है ना मम्मी को ज्यादा खुशी होगी माशाल्लाह खुशी है। अल्लाह पाक ना हर किसी को ढेर दे जिसने तावन किया हेल्प पे किया अल्लाह पाक उनसे भी बहुत मजीद ज्यादा दे आमीन। गरीबों की मदद करते हैं अपने किरा दे अगले जान दे सवाब हासिल करते हैं हासिल करे ना अल्लाह पाक मेरी लंबी जिंदगी करे। चलो यही देख के खुशी होती है गरीबी होती है इतनी बड़ी फैमिली होती है गरीब होते हैं दाने लेने को नहीं फुर्सत होनी। अब आम भी कुछ लेने हैं अब कुछ ये देखो पूरा रक्षा भरा हुआ अभी जो है। हाँ देखे माशाल्लाह रक्षा भर के लाए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह साल भर के गंदम भी आ गई वाह वाह। ये नीचे क्यों बिठाया समिया को ये हमारी अपनी वीडियो आई हुई है हमारी वीडियो आ गया कल वाली हम भी मैं लेके आ रही थी ना फ्रेश करा के फिर वही वीडियो। चलो माशाल्लाह आपको पता है अभी हाँ अभी टेंशन है हमारी तो सबसे ज्यादा खर्चा है हमारा हमारे तो कम से कम 70-80 मार काम आती है साल के। कुछ ढूंढ रहे हैं जितनी मिल जाती है हमारे साथ भी कुछ तावन हुआ है जैसे हम ले रहे हैं जितनी आ जाएगी वो ले रहे हैं बाकी अल्लाह मालिक है आगे भी अल्लाह पाक किसी को भूखा नहीं सुलाता। वैसे हम 70-80 मन गंदम रखते थे अब तो पहले 10 मन ले आए जिसमें से अब तकरीबन 3 मन खा चुके हैं 3 मन ख़त्म हो गए तो 8 मन ले आए थे 3 मन ख़त्म हो 5 मन बच गए तो 5 मन वो भी शायद अगले महीने तक ख़त्म हो जाए। तो बाकी जो ले रहे हैं वो तकरीबन 30-35 मन तक शायद हो जाए कोशिश हमारी यही है कि इतने ले लें तो बाकी आगे देखो होता है क्या। मकसद अधे ही थी ने अधे अभी आधे सर का बार उतर गया आधा खड़ा है आधा उतर गया आधा खड़ा है। अच्छा ला चला तो ऐसे ना जब मेरा सिर अधो अधी जाए सिर पे जो ऐसे वजन है ना वजन एक कोज उतर जाएगा कोज मठो मठा मशीन रैपर रैपर ले आया है और ये सारे दिखा रहे हैं दोस्तों 4.5 फीट जनाब है रैपर है 4.5 फुट की है ये मशीन पीछे लगा
तो ये अभी काटे जी किस तरह तो फिलहाल उसके बारे में बता रहे हैं। ये देखो बंदा एक ही बैठ के ना जो चीज काटने वाली है वो उसे काट रहे ने, लेकिन वो खास तौर पे चट्टे बढ़ने वाले। वो ऐसे बंदा चला रहा था ऐसे सीधा खड़ा होके ऐसे कर रहा था, वो ऐसे जैसे रैपर ने काटते ऐसे सीधे सीधे बिल्कुल। बहुत सारी मशीनें आई हुई है हर चीज और अगर जानवर क्या है कपास अलग है वो सब। हमें तो यही लगता है कि औरतें ही चल सकती हैं, लेकिन वो भी अब मशीनें आ गई हैं। अभी वो कामयाब नहीं है जो कपास चुनने वाली, वो ऐसा करती है वो पत्ते टिंडे कपास सारी एक तरह वो ना खराब हो जाती है। वो आगे वो चुगती है लेकिन यही कोशिश कर रहा है जो ये मशीन भी कामयाब हो जाए जो औरतें कपार ना चुना। लेकिन एक बनी सी तो वो जब आई तो उनका काम ये हुआ जो मुंह पे हाथ डालती थी वो सब कुछ तो निकल जाएगी ना सारे गोगले समेत। वो तो टिंडे कच्चे पत्ते सारा को जो एक तरह तो ऐसे ना कोई ऐसी मशीन बनाएंगे ऐसी बनाए जो सिर्फ कपास कपास चुगे। फिर पत्ते को ना हिलाए और टिंडे को ना सिर्फ कपास चुगे। ऐसा तो औरतें ही काट सकती ना, और तो कोई मशीन नहीं ऐसी बन सकती। बाकी जो गंदम काटने वाले है कोई कमान छिलने वाले कोई भी जो चीज काटने वाले होंगे तो बन मशीन ना भी बनाए अच्छी बात है, क्योंकि गरीब जो है ना वो कपास की चुगाई करके खाते हैं। फसलें में मशीन चल जाती हैं गरीब छोटे फसल आगे दो दो महीने फसल होता तो गरीब छोटे अपने साल की रोजी कमा लेते थे। आज भाग दौड़ करके वो महीने का दो महीने का खर्चा मुश्किल से होता है। तो फिर अगर कपाल या आगे तो गरीब छोटे रोल गए भूखे रह जाएंगे। अब ये गरीबों को अंदाजा होता है कि हर साल ना वो छः माह के गंदम कट्ठे खा लेते थे काट काट के। अब ये अंदाजा होता है कि ये एक महीने की कट्ठी हो जाए। आप भी पहले करते थे जब गरीबी होती थी उधर अपने पीछे इलाके में तो हम पूरे साल के दाने ऐसे कमा कमा के मजदूरियाँ करके इकट्ठे कर लेते। अब इतना आज कल मशीनें जो है ना गरीबों को भूखा मार रही है मशीन। बस कोई हाल नहीं, हाँ तो जल्दी पाए जाते बोलता है अरे हिक्की दिमाग मुरब्बा दो है चार है हिक्की दिमाग समझो कुछ डेढ़ फेरा कर नुकसान भी बहुत है मशीन में। बस होना इतना नहीं है, पहले पहले जो न्यूज़ चलती है ना ये हूँ वैसे वो समझदारी सही है हूँ इतना नुकसान नहीं है। और फिर क्या है अगर कोई दाना सिट्टा कोई टूट जाता है तो फिर जब तूड़ी बन दे तो तूड़ी के साथ साथ वो दाने बन जाते हैं कुछ भी नहीं। हमने उगाए थे पिछले साल वो मशीन पर लगवा देते मालिक ने, लेकिन बहुत से वाला को मिनते कर करके ना वो नहीं फिर वो हमारा नुकसान होगा जो सिट्टा टूट गया हो बेच। फिर गंदम भी छोटी छोटी थी कितना डलवाया है भूसा भूसा ये डलवाया है कोई 10 ट्रालिया। कितने माना होगा ये होगा तकरीबन तकरीबन बोलते हैं 16-17 माह के होते एक ट्राली 15 लगा ले 15 10 10 15 मतलब 150 15 43 45 150 मन बनेगा तो ये 150 मन काफ़ी है साल का। फिर जब वो सब्जी आते हैं ना सब्जी में तो मैल खवाते हैं गन्नू वाले दो चार मैल का बड़ा खर्चा है वो ना। अभी जो एक घास ले रहे हैं ना फिर ये भी थोड़ी काम काम आती फिर अभी चट्टे भी है ऐसे ऐसे ना गुजारा हो रहा है जो अगर सारे घर बांध के खिलाए ना ये तो महीने का भी नहीं है। चलो मैं शक्ल दिखा लो आज मैडम की नहीं दिखाई शक्ल दिखा दो ये ना हो फिर बात पटी बैठी हुए मुझे वीडियो में क्यों नहीं लाया मुझे तो जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौशल भी नहीं है आज अम्मी की वीडियो है अलहमदुल्ला सर। हाँ जी
बीमार ही लगती है मासूम से, और हंसते हुए प्यारे लगती हो, हंसते रहा करो। और हाँ, वो सिस्टर बता रहे थे कि आपका ना आपकी हालत बिल्कुल कमज़ोर है, वज़न आपका कम है, खून पानी ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा खाने पीने की ना थोड़ी परहेज़ करो, एहतियात करो कि अच्छे से खाओ, टाइम से खाओ, और अच्छी अच्छी ताकत वाली चीज़ें फ्रूट खाओ। आप मुझे बोलते नहीं हो कि मैं क्या मंगा के दूँ, बताया करो, बताया करो मैं किस लिए हूँ। मैं तेरा पसंद है, मैं मतेरा मंगवाता हूँ डेली, बाकी और कुछ लेना हो तो वो बता दिया करो। नहीं, कुछ खाओ पियोगी तो खून बनेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाते हैं। लगता है डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा आपको। नहीं।